आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि एक बड़ी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर के और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मामला क्या है पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप इस समय खबर बेबाक देख रहे हैं और आईपीएल से जुड़े हर रोज़ हम लोग वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और खबर बेबाक को आगे की वीडियोज़ देखने के लिए अब इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा ख़राब फॉर्म रहा है। शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की बेहद ख़राब रही। अब तक चेन्नई ने 5 मैच खेले हैं, 5 में से 4 मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था और जो पिछला मैच हुआ था वहीं से चेन्नई सुपर किंग्स को पहली जीत मिली थी। अब चेन्नई सुपर किंग्स को इस आईपीएल शुरू होने के पहले से कुछ झटके लगे थे, जैसे कि दीपक चहर इंजरी के चलते नहीं खेल पा रहे थे, मोइन अली टीम के साथ शुरुआत से नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि कुछ वीज़ा का उनका इशू चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मोइन अली आए लेकिन दीपक चहर की वापसी नहीं हुई। अब दीपक चहर की वापसी नहीं हुई, उनको इंजरी थी, इसके चलते इंजरी का रिहैब चल रहा था, लेकिन कल अल्टीमेटली आईपीएल की तरफ से एक मीडिया एडवाइजरी जारी हुई, उसमें लिखा था कि दीपक चहर इस आईपीएल सीज़न से रूल आउट हो चुके हैं और वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि इस समय ब्रॉडकास्टर्स के साथ में कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना, जिनको मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है, वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आपको हो सकता है कि खेलते हुए दिखाई दें। अब दीपक चहर का रिप्लेसमेंट टीम को चाहिए, अंबाती रायडू की भी फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो मीडिया में इस समय खबर चल रही है वो ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो मैनेजमेंट है वो सुरेश रैना से बातचीत कर रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द सुरेश रैना आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दिखाई दें। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कोई भी खिलाड़ी आएँ या जाएँ, 2 खिलाड़ी वहाँ पर आपको कन्फर्म्ड दिखाई देते ही थे और उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी हैं और दूसरे सुरेश रैना थे। अब 2020 आईपीएल जो कि दुबई में हुआ था उसमें सुरेश रैना बीच आईपीएल से वापस आ गए थे, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स का क्या हश्र हुआ था वो सब आप लोगों ने देखा था। प्लेऑफ के लिए भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन पिछला सीजन जो रहा था सुरेश रैना टीम के साथ थे और आईपीएल 2021 का चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बना था। हालांकि सुरेश रैना का फॉर्म कुछ खास नहीं था पिछले सीजन में, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक वो गुड लक की तरह थे। अब सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल क्यों कहा जाता है ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार और उनके आंकड़े में याद दिला देता हूँ। सुरेश रैना ने आईपीएल में 205 मैच अब तक खेले हैं, इस दौरान उनका जो औसत रहा है वो रहा है 32.51 का और उनके बल्ले से जो कुल रन निकले हैं वो निकले हैं 5,528 रन। तो अब आप कुछ समझ सकते हैं, जब इतने बड़े तजुर्बे के साथ कोई प्लेयर टीम के साथ जुड़ेगा तो फिर टीम के लिए एक मॉरल बूस्टर के साथ साथ मजबूती देने वाली चीज़ भी हो जाती है। खैर, अगर चेन्नई सुपर किंग्स के आप फैंस हैं तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स में क्या सुरेश रैना की वाकई वापसी हो सकती है या नहीं, और अगर सुरेश रैना टीम में वापसी करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो अभी खराब फॉर्म चल रहा है क्या उसमें बेहतरी आएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। खैर, बाकी तमाम वीडियोस देखने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाजू में एक नोटिफिकेशन का बैल होगा, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो फिर जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके फ़ोन तक वो नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाएगा।